हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी वीडियो स्ट्राइक आई हुई हो तो उस स्ट्राइक को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अपने चैनल पर दिखाता हूँ मुझे टोटल स्ट्राइक कितनी आई है। चार स्ट्राइक आई हैं, वीडियो टेकन डाउन, लेकिन मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं हो। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन पर क्लिक करना है। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है गूगल के, अगर आपने बजाते खुद आपकी वीडियो पर स्ट्राइक आई है तो वो आपने रिमूव कर दी है या वीडियो रिमूव हो गई है। अगर आपके चैनल से वीडियो रिमूव हो गई है तो आप लोगों ने सिंपली, आप कह सकते हैं, आप डायरेक्टली जो जिस बंदे ने जिस चैनल की तरफ से आप स्ट्राइक आई है, आप डायरेक्टली उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपको उसका ईमेल एड्रेस है, जो भी है, प्राइवेट मैसेजिंग चैनल पे आप उसको भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा तरीका रिट्रैक्ट क्लेम यानी कि रिक्वेस्ट अगर आपने करनी है यूट्यूब को, आपने copyright@youtube.com पर ये ईमेल आपने कॉपी करना है। ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। आपने सबसे पहले अपोलॉजी आप उनसे कर लें कि भाई, मतलब जो भी है आपकी तरफ से, आप उनसे अपोलॉजी करें उसके रिलेटेड। देन जो वीडियो, जिस वीडियो के बारे में आपको मतलब स्ट्राइक रिसीव हुई है आपके चैनल पे, उस वीडियो का URL दें और एंड में आप फुल नेम भी दे सकते हैं। ये देखें, एक ईमेल है जो सिंपली शॉर्ट मैंने उनसे कम्युनिकेट किया था। आप लोगों को बताता चलूँ कि किस तरह मैंने रिट्रीव की है। आप लोगों ने सिंपली लिख देना है उसके बारे में और वीडियो का लिंक दे देना है। उसी फौरन ही आपको रिस्पॉन्स आएगा, वो आपकी जो चैनल है, आपके जो वीडियोस है उसको आप रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको स्ट्राइक को वो रिमूव कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ता, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉपीराइट में 1, 2, 3, 4 हैं, लेकिन स्टिल चैनल है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप 3 स्ट्राइक आपके चैनल पर आ जाएं तो वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4 स्ट्राइक्स आई हुई हैं, ठीक है, जिसमें से हम ऑलरेडी रिमूव भी कर चुके हैं, तभी स्टिल हमारा अकाउंट रनिंग कंडीशन में है।